संसद के मॉनसून सेशन में नए कृषि कानून को लेकर हंगामा मचा हुआ है। बुधवार को इसका असर संसद के बाहर भी देखने को मिला। इस मामले पर कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू और शिरोमणि अकाली दल सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के बीच जुबानी जंग हुई। प्ले कार्ड्स लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन कर रही बादल और अकाली सांसदों से बिट्टू ने कहा कि आपका ये प्रदर्शन नकली है। सिंध नदी ने ग्वालियर चंबल अंचल में तबाही मचा दी है। पहली बार सिंध नदी का रौद्र रूप लोगों ने देखा है। बुधवार सुबह दतिया जिले में सिंध नदी पर बने सेंवड़ा और इंदुरखी पुल बह गए। दोपहर में शिवपुरी जिले में नरवर ग्वालियर को जोड़ने वाला पुल का काफी हिस्सा नदी में बह गया। इसके पहले मंगलवार को सिंध नदी के बहाव में रतनगढ़ वाली माता और लांच पिछोर का पुल भी बह गया था। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने का सपना तो पूरा नहीं कर पाई, लेकिन कांस्य पदक जीतने में सफल रही। उन्होंने बुधवार को कहा कि पिछले 8 साल के लिए उनके बलिदानों का ये बड़ा इनाम है। भारत ने पुरुषों की फ्री स्टाइल रेसलिंग के 57 किलोग्राम वर्ग में कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है। रवि कुमार दाहिया ने कजाकिस्तान के नूर इस्लाम सनाइव के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की और फाइनल में एंट्री की। दिल्ली में 9 साल की दलित बच्ची से रेप और हत्या के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद राहुल ने कहा कि पीड़ित परिवार इंसाफ चाहता है और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, इसलिए उन्हें मदद की जरूरत है। कर्नाटक में बुधवार को बसवराव बोम्मई की सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार कर 29 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इस सरकार में किसी को उपमुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली, जबकि येदियुरप्पा की पिछली सरकार में 3 डिप्टी CM बनाए गए थे। संसद के मॉनसून सेशन का तीसरा हफ्ता भी अब तक काफी हंगामेदार रहा है। पेगासस जासूसी कांड और नए कृषि कानून को लेकर विपक्षी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। बुधवार को भी जासूसी कांड पर दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा। विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मौजूदा समय में देश में केरल ही एक ऐसा राज्य है जहां कोरोना के सर्वाधिक मामले आ रहे हैं। इन सब के बीच केरल सरकार ने बुधवार को वीकेंड लॉकडाउन हटाने का फैसला किया है। लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार में शानदार तेजी रही और लगातार दूसरे दिन बाजार रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 54,465 का रिकॉर्ड स्तर छुआ और अंत में 546 अंकों की तेजी के साथ 54,370 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी ने भी पहली बार 16,290 का रिकॉर्ड स्तर छुआ और 128 अंकों की तेजी के साथ 16,259 पर बंद हुआ।